दोस्तों कैसे हैं आप। आई की रसोई में मैं आज आपको बचे हुए ब्रेड के कुछ उपयोग बताऊंगी। बहुत ही शानदार टिप्स हैं। आप ब्रेड का बची हुई ब्रेड का कैसे इस्तेमाल करें। ये ब्रेड के पीस हैं, मैंने ब्रेड रोल बनाए थे तो ये बच गए हैं। अब इनका क्या उपयोग करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इनकी शेप कोई भी हो, आप एक कटोरी में बेसन घोलें। बेसन की कंटेनेंसी थोड़ी पतली होनी चाहिए, ठीक नहीं, क्योंकि हम पकोड़े नहीं बना रहे, हम कुरकुरा नाश्ता बना रहे हैं बचे हुए ब्रेड से। तो ये ब्रेड बेसन लेके उसमें अच्छा सा पतला सा घोल बना के आप उसको ब्रेड के पीस को डिप करके ये बना सकते हैं। शेप कोई भी हो, बहुत टेस्टी नाश्ता बनता है। ब्रेड भी वेस्ट नहीं जाएगी आपकी। और इसके बाद अगर ये छोटे छोटे पीस बचते हैं तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हम आलू के साथ मैच करके पराठे बना सकते हैं या छोटी छोटी टिकियां बना सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी होती हैं। और हाँ, इनको आटे में भी गूंद सकते हैं। आटे में गूंद के रोटी का टेस्ट अलग हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देनी चाहिए, इसलिए ये अगर छोटे पीस हैं तो इनको आप आटे में गूंद सकते हैं और बड़े पीस का पकोड़ा बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ट्राई करके देखें। और आपको यूज़फुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।